अभी हम रिमोट लोको का सेटअप करके दिखाएंगे। रिमोट लोको सेटअप करने के लिए पहले BLDJ ऑफ करना है, ZPT डाउन करना है और BL की D ऑफ करना है। अभी CCB लोको का ब्रेक सेटअप देखते हैं। इंडिविजुअल लोको में आप देख सकते हैं A9 हैंडल पोजीशन रिलीज में होगा, SA9 हैंडल पोजीशन फुल में रहेगा और सिलेक्शन स्विच लीड पोजीशन में रहेगा। लेकिन DPWCS रिमोट सेटअप करने के लिए A9 हैंडल को FS पोजीशन में रखना है, SA9 हैंडल को REL पोजीशन में रखना है और सिलेक्शन स्विच HLPR में रखना है। अभी E70 लोको का ब्रेक सेटअप देखते हैं। इंडिविजुअल लोको में आप देख सकते हैं A9 हैंडल पोजीशन रिलीज में रहेगा, SA9 हैंडल पोजीशन फुल में रहेगा, लेकिन DPWCS रिमोट सेटअप करने के लिए A9 हैंडल को न्यूट्रल पोजीशन में रखना है, SA9 हैंडल को REL पोजीशन में रखना है। यह आप देख सकते हैं DPWCS की सर्किट ब्रेकर, इससे आप DPWCS सिस्टम को चालू कर सकते हैं। सर्किट ब्रेकर ऑन करने के बाद दोनों कैब DPWCS का डिस्प्ले ऑन हो जाएगा। अभी आपको इंटरमीडिएट कैब के कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा। कॉन्फ़िगरेशन के लिए पायलट में उनका ड्राइवर आईडी, पासवर्ड और ट्रेन नंबर एंटर करना पड़ेगा। ड्राइवर आईडी नीचे कीपैड के बटन द्वारा एंटर किया जा सकता है। बाद में पासवर्ड एंटर करने के लिए दाईं ओर नीचे के तीर द्वारा कर्सर को पासवर्ड में लेकर आने के बाद 2400 एंटर करना है। इसके बाद फिर से नीचे का तीर द्वारा ट्रेन नंबर सिलेक्ट करके एंटर करना है। ड्राइवर आईडी, पासवर्ड एंड ट्रेन नंबर तीनों भरने के बाद एंटर बटन द्वारा लॉगिन कीजिए। लॉगिन सक्सेसफुल होने के बाद स्क्रीन परिवर्तन हो जाएगा। अभी स्क्रीन में 5 नंबर के द्वारा DPWCS करना पड़ेगा। कॉन्फ़िगरेशन स्क्रीन में नंबर 2 के द्वारा रिमोट सिलेक्ट करना है। अभी कर्सर डाउन करके कैब ओरिएंटेशन सिलेक्ट करना है। फिर से कर्सर डाउन करने के लीडिंग लोको को नंबर एंटर करना है। पोजीशन, डायरेक्शन, लीड लोको चेक करने के बाद एंटर बटन प्रेस करना है। कंफर्मेशन के लिए आर बटन प्रेस करना है। बीपी कंटिन्यूटी चेक स्क्रीन। बीपी कंटिन्यूटी स्क्रीन में नंबर 1 के द्वारा इनिशिएटिंग ग्रुपिंग सिलेक्ट कर दीजिए। इनिशिएटिंग ग्रुपिंग सिलेक्ट करने के बाद सेल्फ लोको का बीपी दिखाई देगा और आरएफ का स्टेटस लिंकिंग में रहेगा। अभी लीड लोको की DPWCS ऑन कर देंगे। कॉन्फ़िगरेशन के लिए पायलट में उनका ड्राइवर आईडी, पासवर्ड और ट्रेन नंबर एंटर करना पड़ेगा। ड्राइवर आईडी नीचे कीपैड के बटन द्वारा एंटर किया जा सकता है। बाद में पासवर्ड एंटर करने के लिए दाईं ओर नीचे के तीर द्वारा कर्सर को पासवर्ड में लेकर आने के बाद 2400 एंटर करना है। इसके बाद फिर से नीचे का तीर द्वारा ट्रेन नंबर सिलेक्ट करके एंटर करना है। ड्राइवर आईडी, पासवर्ड एंड ट्रेन नंबर तीनों भरने के बाद एंटर बटन द्वारा लॉगिन कीजिए। लॉगिन सक्सेसफुल होने के बाद स्क्रीन परिवर्तन हो जाएगा। अभी स्क्रीन में 5 नंबर के द्वारा DPWCS करना पड़ेगा। कॉन्फ़िगरेशन स्क्रीन। कॉन्फ़िगरेशन स्क्रीन में नंबर 1 के द्वारा लीड सिलेक्ट करना है। दाईं ओर नीचे के तीर द्वारा कैब ओरिएंटेशन सिलेक्ट करके एंटर करना है। फिर से दाईं ओर नीचे के तीर के द्वारा नंबर ऑफ रिमोट सिलेक्ट करके जितना रिमोट हो देखकर उतना एंटर करना है। फिर से
दाईं ओर नीचे के तीर के द्वारा रिमोट लोको नंबर के जगह पर पीछे लोको का नंबर एंटर करना है। डाउन एरो प्रेस करके वैगन सिलेक्शन सिलेक्ट करके नंबर ऑफ वैगन ऑप्शन में जाना है। वैगन सिलेक्शन स्क्रीन में बहुत सारे वैगन टाइप और ब्रेक वैन रहेगा। इसमें आप जिस वैगन ट्रेन के साथ जुड़े हुए हैं वो वैगन संख्या एंटर करेंगे। अभी लीड पोजीशन कैब ओरिएंटेशन रिमोट लोको नंबर वैगन सिलेक्शन चेक करने के बाद एंटर बटन द्वारा कंफर्म करिए। कंफर्मेशन में सब सही रहेगा तो यस सिलेक्ट कीजिए। बीपी कंटिन्यूटी चेक स्क्रीन। बीपी कंटिन्यूटी चेक स्क्रीन में 1 के द्वारा इनिशिएटिंग ग्रुपिंग सिलेक्ट कर दीजिए। स्क्रीन में आपको दिखाई देगा सेल्फ और रिमोट लोको का बीपी। साथ में क्रू के लिए एक मैसेज दिखाई देगा, अप्लाई ब्रेक फुल सर्विस। जब ये मैसेज स्क्रीन पर दिखाई दे तो पायलट को A9 हैंडल के द्वारा बीपी प्रेशर को 5 केजी से 3.2 केजी तक अप्लाई करना पड़ेगा। जब दोनों गाड़ी में बीपी ड्रॉप होगा तो अपने आप रिलीज ब्रेक पर बीपी कंटिन्यूटी चेक करने के मैसेज स्क्रीन पर आएगा। जब ये मैसेज स्क्रीन पर दिखाई दे तो पायलट को A9 हैंडल को रिलीज पोजीशन पर लाकर रखना है। अब दोनों गाड़ी में 4.5 केजी का बीपी प्रेशर आएगा तो ग्रुपिंग सक्सेसफुल का मैसेज स्क्रीन पर अपने आप दिखाई देगा। इंफॉर्मेशन स्क्रीन। इंफॉर्मेशन स्क्रीन में ZPT, VCB, TE/BE, स्टैंडिंग BPCS, ZTEL, BP, BC, 1 एंड 2, FP, AFI, MR, नोड लीड और रिमोट लोको का पैरामीटर्स सब कुछ देख सकते हैं। न्यूट्रल सेक्शन में 500 मीटर और 250 मीटर वार्निंग मोड पर पायलट को न्यूट्रल सेक्शन स्विच को 3 सेकंड तक दबा के रखना है। जब पायलट को न्यूट्रल सेक्शन नेगोशिएशन इन प्रोग्रेस मैसेज डिस्प्ले पर दिखाई दे तब पायलट को DJ ओपन और क्लोज बोर्ड में काली लीडिंग लोको को DJ ओपन और क्लोज करना है। जब पीछे वाली लोको को न्यूट्रल सेक्शन के पास आ जाए तो अपने आप DJ ओपन और क्लोज हो जाएगा। अगर किसी कारण से न्यूट्रल सेक्शन को कैंसिल करना है तो दिए गए कैंसिल ऑप्शन को सिलेक्ट कीजिए। अनग्रुपिंग। DPWCS अनग्रुपिंग करने के लिए ग्रुप DPCS ऑप्शन नंबर 6 दबाएं। नंबर 6 द्वारा DPWC सिस्टम को अनग्रुप का कमांड दिया जा सकता है। अनग्रुपिंग को कंफर्म करने के लिए 4 दबाएं। 6 दबाने के बाद 4 दबा के अनग्रुपिंग कंफर्म करने से DPWCS बंद हो जाएगा।